खरगोन जिले के सेगांव में आज जेएस के युवाओं ने ऊन थाना प्रभारी सुनीता मुजाल्दे को मध्य प्रदेश पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। उषा ठाकुर के द्वारा जेएस संगठन के ऊपर देशद्रोही और आतंकवादी टिप्पणी की गई, जिसको लेकर जेएस युवाओं में काफ़ी आक्रोश है। जेएस संभाग संयोजक मोहन किराड़े का कहना है कि जेएस एक सामाजिक संगठन है जो 5वीं अनुसूची एक्ट, वन अधिकार अधिनियम और लोगों में संवैधानिक जागरूकता के लिए गरीब लोगों के लिए लड़ाई लड़ता है और उनको हक अधिकार दिलाने का कार्य करता है। क्या आपके हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाना देशद्रोह है? अगर किसी भी एक भी कार्यकर्ता के ऊपर किसी राष्ट्रद्रोह, नक्सलवाद में कोई कार्यवाही हुई हो तो मैडम उसका सबूत दे, नहीं तो माननीय पर्यटन मंत्री के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाए। अगर कार्यवाही नहीं होती है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा या पूरा आदिवासी समाज का अपमान किया गया है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। जयस द्वारा किस संबंध में आवेदन दिया गया? जयस के ऊपर टिप्पणी की थी भी मध्य प्रदेश पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर के द्वारा। जयस को आतंकवाद से जोड़ने की जो कोशिश की इन लोगों ने, बिना तथ्यों को जाने समझे उन्होंने जयस के ऊपर जो आरोप लगाए उसके विरोध में ज्ञापन दिया है और एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग करी है हमने। क्योंकि जयस एक सामाजिक संगठन है जो 5वीं अनुसूची, वन अधिकार, पैसा एक्ट और गरीबों के लिए आवाज़ उठाता है। हम कोई नक्सलवादी या राष्ट्रीय संगठन नहीं है। उनको जो हमारे जयस के प्रति गलत विचारधारा जो रखती है मैडम, है ना, बिना जाने तथ्य जो जवाब दिए उसके विरोध में आज ज्ञापन दिया और हम एट्रोसिटी एक्ट की मांग करते हैं। आपका सुनना मोहन किराड़े, जयस संभाग। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।